हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1+1/2x² / 4 +135/2×4×6 x^4/8 +13579/2×4×6×8 10 x^6/12 एंड सो ऑन। देखना बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सीरीज की एक टर्म या दो टर्म को ओमिट या ख़त्म कर देने से उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। पहले टर्म को मैं ओमिट कर रहा हूँ और इसका एन वाई स्टेप निकाल रहा हूँ। ओमिटिंग फर्स्ट टर्म, ऑफ गिवन सीरीज, ठीक है ना। एन वाई स्टेप देखो बेटा, सबसे पहले देखना आपके पास क्या है। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, जो मेरे पास सीरीज है, पहला स्टेप तो है आपके पास वन, ओके। एक तो है आपके पास वन, उसके बाद देखो यहाँ से वन के बाद यहाँ आ जाओ आप दूसरे पर, 1 3 5 लास्ट वाला स्टेप देखो, 5 है। उससे अगले का लास्ट देखो, 1 3 5 7 9, उससे अगले का लास्ट कितना है, 9 है। उससे अगले का लास्ट कितना होगा, 13 होगा ना। 9 के बाद कितना होगा भाई, 13 होगा ना, एंड 13 एंड सो ऑन। ये क्या है, आपको दिख रहा है कि एक ए पी है। अगर ये ए पी है, इसका एन वाई स्टेप क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू डाली 1+(n-1)×d की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू 4 है ना, इंटू 4, तो कितना निकल गया बेटा, 1+(4n-4)। फाइनली कितना निकला, 4n-3। क्लियर है ना, ओके। लिखते हैं तो अगर मैं यू एन की बात करता हूँ बेटा, यू एन इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 1 3 5 7 9, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 4n-3 तक, इंटू x^4 कितना होगा भाई, x^2, x^4, x^6, x^2n। क्लियर है ना। अब नीचे की बात कर लेते हैं भाई, नीचे देखो क्या है। ये देखो आप पहले वाला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो है बेटा 2, ठीक है ना। पहला स्टेप मेरे पास कितना है, 2। यहाँ से देखो आप 2, उसके बाद जो इसका लास्ट स्टेप कितना है, 6, उसके बाद उससे अगली का लास्ट स्टेप कितना है, 10 एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्या है, ए के पी है। हर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले 2, लास्ट स्टेप 6, लास्ट स्टेप 10। ये क्या है, ए के पी है। इसका एन वाई स्टेप निकालूँगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी, 4। कितना निकल गया भाई, ये निकल गया 4n-2 निकल गया ना। नीचे क्या होगा बेटा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। यहाँ कितना होगा भाई, 4n-2, 4 8 12 × 4n, ठीक है ना। ये तो होएगा मेरा यू एन। अब यू एन प्लस वन की बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा आपको। यू एन प्लस वन यानी उससे अगले वाला स्टेप, यू एन प्लस के वन स्टेप जो स्टार्ट होगा बेटा, ऐसे ही तो स्टार्ट होगा। ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा एंड सो ऑन। और यहाँ एक स्टेप होगा मेरे पास कितना, ये होगा बेटा 4n-3 होगा। और उससे अगले वाला स्टेप कितना होगा भाई, 4n-1 होगा। अगर इससे भी अगले वाले स्टेप की बात करूँ मैं, तो मेरे पास कितना निकल करके आएगा, ये होगा 4n+1। देखो आप समझने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। इस तरह के अंदर इसके अंदर स्टेप चलेंगे भाई। एक तो होगा 135
यहाँ तक तो आना ही आना है, उससे आगे के उससे अगले उसकी अगर मैं बात करूँ फॉर एन प्लस वन होगा, उससे आगे की तरफ चलूँ तो फोर फोर एन माइनस वन होगा, एक फोर एन प्लस वन होगा। नीचे की तरफ चलते हैं, ओके। एक चीज़ और भी समझ लो आप, कभी आपको डाउट लगे कि सर ये कैसा है, ये कैसे है, ये जो स्टेप है फोर एन माइनस थ्री, जब मैं एन की जगह एन प्लस वन रखूँगा तो लास्ट स्टेप क्या होगा, फोर एन प्लस वन होगा। ध्यान से सुनना, कभी आप उल्टा समझ लो सर ये निकालना था उसके बाद ये कैसे आ गया, उसके बाद ये कैसे आ गया। ध्यान से सुनो, आपका यहाँ लास्ट स्टेप ये है, एन की जगह आपको क्या रखना है, एन प्लस वन। जब मैं एन की जगह एन प्लस वन रखूँगा तो कितना निकल करके आएगा भाई, माइनस के थ्री। ये हो जाएगा बेटा फोर एन प्लस के फोर माइनस के थ्री, यानी कितना होगा, फोर एन प्लस के वन, ओके, फोर एन प्लस के वन हो जाएगा। ये देखो आप, उससे पिछले स्टेप की बात करूँगा, ओके, तो उससे पिछले वाला स्टेप होगा फोर एन माइनस वन, फोर एन माइनस के थ्री। नीचे की बात करते हैं, यहाँ होगा मेरे पास दो, उसके बाद चार होगा, उसके बाद छः होगा एंड सोन, ओके। एक तो होगा मेरे पास फोर एन माइनस के टू, चार एन माइनस के दो, उससे अगले वाला स्टेप कितना होगा, फोर एन होगा, उससे अगले वाला स्टेप होगा फोर एन प्लस के टू। दिमाग लगा लो आप, और ये कितना होगा, फोर एन प्लस के फोर इंटू एक्स की पावर कितना होगा, टू एन प्लस के टू बटे, ये हो जाएगा फोर एन प्लस के फोर। समझ आती है ना मेरी बात भाई, ये है, ये तो होना ही होना है, फोर एन माइनस के टू है, क्लियर है ना। और ये देखो आप, जिस जब एन की जगह एन प्लस वन रखोगे तो फोर एन प्लस के टू होगा, ओके। तो उनके बीच का स्टेप भी मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उनके बीच वाला एक स्टेप ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई सीरीज के अंदर एक स्टेप दो स्टेप बढ़ाने घटाने या ओमिट कर देने से उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। समझने की कोशिश करो आप इस चीज़ को, ठीक है ना। अब मैंने निकाला यू एन बटे यू एन प्लस वन, नाउ यू एन बटे यू एन प्लस के वन, मैंने यू एन की वैल्यू डाली, यू एन की वैल्यू है मेरे पास एक तीन पाँच सात नौ, और ये है चार एन माइनस के थ्री, एक्स की पावर टू एन बटे दो चार छः आठ, चार एन माइनस टू इंटू चार एन बटे एक तीन पाँच एंड सो ऑन, फोर एन माइनस के थ्री, चार एन माइनस वन, चार एन प्लस के वन बटे दो चार छः एंड सो ऑन, फोर एन माइनस के टू, फोर एन, और ये कितना है, फोर एन प्लस के टू। ये पूरा स्टेप आ चुका, ये वाला स्टेप पूरा आ चुका, ऊपर वाला, नीचे वाले स्टेप के अंदर एक स्टेप और बचा हुआ है फोर एन प्लस के फोर, और यहाँ एक्स की पावर टू एन, और यहाँ एक्स की पावर कितना है भाई, चलो यहीं लिख लो आप, ये है ना एक्स की पावर टू एन इंटू एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास फाइनल स्टेप जो निकल करके आएगा बेटा, उसको देखो अब आप, यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू जो होगी, यू एन बटे यू एन प्लस के वन, चलो वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो आना ही आना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये हुआ। इसको देखता हूँ, यहाँ होगा मेरे पास फोर एन माइनस के थ्री, ये कैंसिल, और फोर एन तक कैंसिल, एन माइनस के टू तक कैंसिल, ये कैंसिल, एक तो निकल करके आएगा मेरे पास फोर एन, फोर एन निकलने के बाद एक निकल करके आएगा फोर एन प्लस के टू, एक निकल करके आएगा फोर एन प्लस के फोर बटे में कितना होगा भाई, चार एन माइनस वन बचेगा एक तो, और भाई चार एन प्लस के कितना होगा, चार एन प्लस के वन होगा, और एक होगा फोर एन, ओके। ये मेरे स्टेप्स बचने हैं, जब मैं इसको इससे ख़त्म कर दूंगा, फोर एन प्लस के वन फोर एन बचना है, एन प्लस के टू एन प्लस के फोर,
ओके, और यहाँ जो बचना है फोर एन माइनस के वन, फोर एन प्लस के वन, फोर एन माइनस के वन, फोर एन प्लस के वन, और एक फोर एन बचेगा, ठीक है ना, फोर एन बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के जस्ट बाद मेरे पास ऊपर जो बचा, यहाँ से यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू देख रहा हूँ, यू एन बटे एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना निकल गया भाई, चार चौक सोलह, एन स्क्वायर प्लस के चार एन, सोलह एन और प्लस के कितना, सोलह एन प्लस के आठ एन प्लस के आठ बटे एक बार प्लस एक बार माइनस, सोलह एन स्क्वायर प्लस माइनस के वन। आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगर यहाँ तक के क्लियर है तो ध्यान से सुनना आप, ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, सोलह एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा, वन प्लस एक बटे एन, आठ बटे सोलह एन बच जाएगा, सीधा ही लिख दिया, प्लस आठ बटे सोलह एन स्क्वायर बचेगा बटे सोलह एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, वन माइनस एक बटे सोलह एन स्क्वायर, इससे कैंसिल, एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो, एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो, एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो इंटू कितना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो, क्लियर। यानी आपके पास जो निकल करके आया वो ये निकला, लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू निकल गया आपके पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर, रेशो टेस्ट लगाया मैंने, बाई रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट बोलता है कि अगर लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट है, और अगर यही वैल्यू लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट है, और अगर यही रिजल्ट यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू वन है तो टेस्ट कितना है, फेल है। सेम केस में अब यहाँ से देखो, इसकी वैल्यू तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ चुकी, रिजल्ट कितना निकला, अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट होगा, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन है तो टेस्ट फेल। अब मैं यहाँ से चलूँगा, नाउ फेल से चलूँगा मैं, नाउ जहाँ मेरा टेस्ट फेल हो रहा है, ओके मेरे पास यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू जो भी है वो रखता हूँ, और यहाँ से जहाँ टेस्ट फेल हो रहा है वहाँ से आगे चलता हूँ। मेरे पास है लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू कितना है, एक तो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर सोलह एन स्क्वायर प्लस के सोलह एन प्लस के आठ एन, आठ बटे में कितना है, सोलह एन स्क्वायर माइनस के वन, ये है ना आपके सामने है। मैंने क्या करा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन पुट कर रहा हूँ, जो मेरा लास्ट रिजल्ट था जहाँ टेस्ट फेल हो रहा था। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन इन दिस रिजल्ट, कितना निकल गया भाई, ये निकला लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी आ चुकी,
सोलह एन प्लस के 18 है, 8 एन प्लस के 8 24 एन भी तो लिख सकता था यार मैं इसे। 16n² - 1, इसको सॉर्ट कर लो एक बार। ये निकल गया 16n² प्लस के 24n प्लस के 8 बटे 16n² - 1। ओके नाउ अप्लाई रिवीज टेस्ट। नाउ अप्लाई रिवीज टेस्ट। रिवीज टेस्ट बोलता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के 1 - 1 अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर ये वाला रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट क्या है, फेल। नाउ मैं ये कैलकुलेट करूँगा। नाउ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस 1 की वैल्यू डायरेक्ट डाल दी, ऊपर रखी हुई है 16n² प्लस के 24n प्लस के 8 बटे 4n प्लस 1 नहीं है यार ये, ओके ठीक है, बटे 16n² - 1, और यहाँ कितना है माइनस के 1, यही होगा ना। यहाँ से निकल चुका लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू 16n² प्लस के 24n प्लस के 8 माइनस के 16n² - प्लस के 1 बटे 16n² - 1, ये कैंसिल आउट, अंदर से गुणा कर दिया, कितना निकल गया भाई, ये निकला 24n² प्लस के कितना 9n बटे 16n² - 1, ऊपर से n² कॉमन ले लिया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, चाहे तो 24 कॉमन ले लो या n² कॉमन ले लो, बात तो एक ही है, ऊपर से n² कॉमन लिया, कितना बचा भाई 24 प्लस के 9 बटे n बटे नीचे से n² कॉमन लिया 16 माइनस के 1 बटे n, ये इससे ख़त्म। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, कितना बचा 24 बटे 16, 8 + 3 = 24, 8 × 2 = 16, ओके यानी 1.5 यानी ग्रेटर देन 1, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या हुआ, कन्वर्जेंट। क्लियर है ना, फाइनल आंसर बता रहा हूँ अब आपको, जब कन्वर्जेंट है तो आपके पास ये था सीन, देखो कन्वर्जेंट निकली ना। अब आप यहाँ जहाँ कन्वर्जेंट था, दो बार कन्वर्जेंट है, यहाँ निशान लगा दो कन्वर्जेंट। इसका आंसर ऐसे भी आ सकता है जब इसको सॉल्व करोगे, 1 > or = x² पर तो है कन्वर्जेंट, 1 < or = x² पे क्या है डाइवर्जेंट। ओके दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।